भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर कांट विधानसभा की ग्राम पंचायत गुरैठा में देश की सीमा पर शहीद हुए वीर जवानों के परिजनों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांट विधानसभा क्षेत्र की जनता द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। आपको बताते चले कि मुरादाबाद की कांट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुरैठा के स्थानीय निवासी एवं वरिष्ठ समाजसेवी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अभिनय चौधरी द्वारा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को किसान दिवस एवं शहीदों के परिजनों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम किया गया। गुरुवार को गुरैठा में आयोजित कार्यक्रम में कांट विधानसभा क्षेत्र की जनता द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। लगभग 10,000 की संख्या में कार्यक्रम में मौजूद रहे चौधरी चरण सिंह जी के आदेशों को मानने वालों द्वारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शिरकत की गई। आज के इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में जहां हिंदू समाज के लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया था, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आजादी के गीतों से किया गया। इस दौरान मंच पर मौजूद रहे शहीदों के परिजनों को कांट विधानसभा क्षेत्र के गांवों से आए अलग अलग समाज के लोगों से युवा नेता अभिनय चौधरी द्वारा शहीदों के परिजनों को सम्मानित कराया गया। इस सम्मान समारोह में मौजूद रहे शहीदों के परिजनों द्वारा कहा गया कि अभिनय चौधरी की ये पहल दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि हमारे बेटे देश की खातिर शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को देश कभी नहीं भुला सकता। अभिनय चौधरी द्वारा जो ये सम्मान समारोह रखकर हमारे बेटों को याद किया गया है और हमारा मान बढ़ाने का काम किया गया है, यह हमें गौरवान्वित करने जैसा है। कार्यक्रम संयोजक अभिनय चौधरी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज का दिन किसान दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। मैं भी अपने किसान भाइयों को अपने सामने पाकर खुश हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता ने जिस तादाद में आकर मेरी हौसला अफजाई की है, उसका कभी भी मोल नहीं चुकाया जा सकता। इस दौरान उन्होंने मंच के माध्यम से वादा किया कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब कभी भी अभिनय चौधरी को कोई याद करेगा तो वह सबसे पहले उसके सामने खड़े होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा समाज सेवी एवं भाजपा नेता अभिनय चौधरी द्वारा कहा गया, जब मैं कार्यक्रम जब शहीदों के परिजनों के सम्मान समारोह करने की जब मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा मेरे भाई में जरूर आऊंगा और जितनी हरियाणा से लड़के आए हैं, और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा चाहे आर्मी की बात हो, देश के शहादत की बात हो, या देश को मेडल लाने की बात हो, आज हरियाणा पूरे भारत में नंबर वन है। तो लगा नहीं उत्तर प्रदेश में आए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए हैं और अभिनय चौधरी के दीवानों में छुपाए हैं, तो तालियों की लगातार कमी रहनी चाहिए। लगन नहीं है कि यहाँ वाकई में मुरादाबाद बिहार विधानसभा में हरियाणा का एजेंडा हरियाणा छोड़ा मुरादाबाद से छोड़ने के लिए बताया है। आपकी तालियां की जितने बड़ी है वो आप सभी का बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुरादाबाद के प्रथम नागरिक महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा मंच के माध्यम से अभिनय चौधरी की जमकर तारीफ की गई और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भी खराज अकीदत पेश किया गया। अभिनय चौधरी धन्यवाद। आज हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर गठ हुए, तो एक बार मैं उस महान आत्मा को भी आज नमन करूंगा। चौधरी चरण सिंह के धन्यवाद। आज यहाँ पर कांट विधानसभा में आयोजित हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे चौधरी साहब, जिनके जन्मदिन के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई अभिनय जी, इनसे मैं लगभग 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और आज से 20 साल पहले। इस मौके पर भारी संख्या में कांट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों से आई जनता द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया गया। गुरैठा के इस मैदान में लगभग 10,000 से अधिक संख्या में क्षेत्र की जनता द्वारा आकर ये दर्शाया गया कि अभिनय चौधरी के लिए सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।